Hare Krishna. Atha Dhyana Yogunam Shastamudhyayaha Shri Bhagavanu Vacha Anashritaha Karma Phalam Karyam Karma Karotiyaha Sasanyasi Chayogi Chanirajne Nachakriyaha Anashritaha Karma Phalam Karyam Karma Karotiyaha Sasanyasi Chayogi Chanirajne Nachakriyaha Anashritaha Karma Phalam Karyam Karma Karotiyaha Sasanyasi Chayogi Chanirajne Nachakriyaha Anashritaha Karma Phalam Karyam Karma Karotiyaha Sasanyasi Chayogi Chanirajne Nachakriyaha Anashritaha Karma Phalam Karyam Karma Karotiyaha Sasanyasi Chayogi Chanirajne Nachakriyaha शब्दों का अर्थ श्री भगवान वाच श्री भगवान ने कहा अनाश्रित अर्थात शरण की ग्रहण किए बिना किसके कर्म फलम अर्थात कर्म फल की कार्यम कर्तव्य कर्म अर्थात कर्म करोति करता है यह जो सन्यासी वह सन्यासी है स योगी भी योगी च भी न निर अग्नि न मन नहीं निर मतलब रहित अग्नि मतलब अग्नि न च न तो भी अक्रिया यानी क्रिया विहीन अनुवाद श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है वह नहीं है जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हो श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे अधिक श्रेष्ठ है इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक कर्म नहीं कर पाता पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावना में कर्म करना
कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावना में से कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अभी तो पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ कर्म बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्मय स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्र से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावनावित भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए ही कार्य करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मदृष्टि की इच्छा नहीं रहती। इसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, न धनम न शरणम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरि भवतात् भक्तिराहेतुकी सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्री के साथ रमा करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेम भक्ति की अहितुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अख्यानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोजेष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं
Shri Gurum Vaishnavasya Shri Rupam Sakrishatam Sahakarakunathan Vitantam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Saitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitasya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchanam Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Chi Vansha Kalpataru Bhayascha Kripa Sindhu Vyayivascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitam Gadadharam Shivasadi Gauravattavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srimad Bhagavad Gita Mata Ki Jai Ho Asim Krupa Hai Bhagwan Ki Ye Aaj Hum Srimad Bhagavata Mahapuran Ki Chhate Sorry Srimad Bhagavad Gita Ki Chhate Adhyay Tak Pahunche Hai Vastav Mein Bhakto Ye Jo Chhata Adhyay Hai Bhagavad Gita Ka वो बहुत महत्वपूर्ण है मतलब साधना के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भगवान ने पूरी भगवत गीता में जैसे अपने विषय में बताया कि मैं ऐसा हूँ और ये तरीके हैं भक्ति के भक्ति योग बताया और दूसरे ये बताया कि मेरे भक्त जो होते हैं वो उनकी क्या क्वालिटीज हैं। जैसे पहले 5 अध्याय में ज्यादातर भगवान ने बुद्धि योग के विषय में बताया। टॉपिक स्टार्ट हुआ था 2 अध्याय में भगवान ने कहा था कि ऐसा सांख्य यहाँ तक मैंने आपको सांख्य योग बताया है, अब मैं आपको बुद्धि योग से बताता हूँ। उसके बाद भगवान ने बुद्धि योग यानी बुद्धि योग का क्या मतलब होता है कि हर वो कार्य जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है ना उसको बुद्धि योग कहा जाता है। लेकिन वो कार्य नहीं मतलब भगवान ने बताया कि कोई भी कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए या फल की इच्छा के लिए नहीं करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त भगवान ने भगवत गीता में अब तक हमें सांख्य योग बताया, कर्म योग बताया, निष्काम कर्म योग से सिद्धि के विषय में बताया, फल की इच्छा के बगैर कैसे कार्य किया जाता है, ये समस्त योगा मतलब जैसे पहले अध्याय के बाद भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग और कृष्ण भावनामृत में कर्म ये सब बताए। वास्तव में ये सारे योग हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना, भगवान के साथ जुड़कर कार्य करना और अल्टीमेटली इन सब का रिजल्ट क्या है, परम सिद्धि, कृष्ण को प्रसन्न करना। और अभी जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा उसके श्लोक नंबर 27 और 28 में भगवान ने हमें बताया कि जो ब्रह्म निर्वाण का पद है वो अष्टांग योग से भी प्राप्त किया जा सकता है यानी ध्यान योग से भी प्राप्त किया जाता है। तो उन्हीं दो श्लोकों को सही तरह से एक्सप्लेन करने के लिए भगवान ने ये 6th अध्याय जिसमें ध्यान योग के विषय में बताया गया है वो पूरा बताया। और इस अध्याय में भगवान अभी हमें ये बताएंगे कि यदि ध्यान योग में हम सिद्धि प्राप्त नहीं होते हैं, समझो अगर किसी का ध्यान चल रहा है और उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है
तो उसका क्या होगा? तो पहले चार श्लोक में भगवान सन्यास का मतलब बताएंगे कि सन्यास का मतलब भी योग ही है। वास्तव में सन्यास का मतलब ये नहीं कि आप कार्य छोड़ दो। अष्टांग योग और निष्काम कर्म योगी दोनों का मतलब क्या है कि वो अनासक्त होकर कार्य करें, यानी कि कार्य के साथ अपना कोई अटैचमेंट नहीं रखें, डिटैचमेंट के साथ कार्य करेंगे। तो लेकिन भगवान पहले बता चुके हैं कि कर्मयोगी इज बेटर देन संन्यास योगी, है ना? भगवान ने बताया कि कर्मयोग, क्योंकि कर्म जब हम करते हैं, संन्यास का मतलब क्या है? कार्य ना करो। और कर्म का मतलब होता है, कर्मयोग का मतलब क्या होता है कि कार्य करो लेकिन उसके फल को भगवान की प्रसन्नता के लिए छोड़ दो, अब उसके फल में कोई आसक्ति नहीं रखो। तो भगवान ने कहा क्योंकि कर्मयोग में केंद्र कृष्ण है तो वो हमारे लिए ज्यादा सरल भी है और ज्यादा उच्च भी है। तो आज भगवान बता रहे हैं श्लोक में कि अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः। अनाश्रितः का मतलब होता है कि शरण ग्रहण किए बिना। अभी देखो, शरण ग्रहण किए बिना मतलब कर्म फल की। ज्यादातर लोग हम जब भी कार्य करते हैं तो क्यों कार्य करते हैं? कोई भी जीव यदि कोई भी कार्य कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है कार्य करने का, कि इस कार्य से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, है ना? फल की शरण ग्रहण करके ही जीव कार्य करता है। वैसे अगर थोड़ा भी सोचा जाए तो कोई भी कार्य जीव क्यों करेगा यदि उसे फल की इच्छा नहीं है? यदि फल की इच्छा ही नहीं है तो फिर जीव कर्म करने की इच्छा भी नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि फल ही कर्म करवाने की हमें प्रेरणा देता है इसलिए जीव करता है। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल में कोई भी शरण ग्रहण नहीं करो, कर्म फल की ओर आकर्षण नहीं हो, लेकिन फिर भी कार्यम कर्म करो। तुम कार्यम कर्म यानी कि कर्तव्य जो है, अपना नियत कर्म जो करता है, फल की इच्छा नहीं करता, फल के अंदर आसक्त नहीं होता है लेकिन अपना नियत कर्म करता है। भगवान कहते हैं स्वसन्यासी से योगी का, वो सन्यासी भी है और योगी भी है। अब ये दोनों एक कैसे हो सकते? सन्यास कर्म योग यानी कार्य कर रहा है, सन्यास मतलब कार्य को छोड़ रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं वो सन्यासी भी है योगी भी है। तो यहाँ पर भगवान एक नया फार्मूला बता रहे हैं कि सन्यास और योगा का आपसी क्या रिलेशनशिप है। जैसे हमने भगवत गीता में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े पहले भी, जैसे 5:22 में क्या पढ़ा कि इंद्रिय तृप्ति इज इक्वल टू मिजरीज, है ना? दुख का कारण इंद्रिय तृप्ति, जितना ज्यादा आप इंद्रिय तृप्ति की ओर बढ़ोगे उतना ज्यादा आपको दुख भोगने पड़ेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला ऑफ पीस पढ़ा, क्या 5:29 में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और आज भगवान क्या बता रहे हैं, आज एक नया फॉर्मूला है कि कर्म इज इक्वल टू योगा, कर्म योग ही सन्यास है। योगा का क्या मतलब होता है? ये योगा जिस शब्द से निकला है, मतलब वो योज से निकला है। योज का मतलब होता है युज, उसका मतलब होता है लिंक, किसी से लिंक। तो लिंक किस से? योगा का मतलब है किस से लिंक और क्यों लिंक? तो इसका आंसर है कि सुप्रीम पर्सनलिटी के साथ लिंक, अर्थात भगवान के साथ हमारा संबंध। जितने भी दूसरे समस्त रिश्तेदारों के साथ संबंध है, अब देखो अगर भगवान के साथ संबंध है, भगवान के साथ आसक्ति है, तो इसका मतलब होता है भौतिक वस्तुओं के साथ आसक्ति नहीं है। मतलब हम माया और कृष्ण को एक साथ नहीं रह सकते, या तो हम माया की ओर आकर्षित हो जाएंगे या तो फिर कृष्ण की ओर। यदि कृष्ण की ओर आकर्षित हैं तो फिर माया से हमें दूर रहना पड़ेगा, वरना क्या होगा, एक पांव, जैसे हम दोनों पांव को उठाकर कभी वॉक नहीं कर सकते, है ना? एक पांव को नीचे रखना पड़ता है, दूसरे पांव को उठाना पड़ता है, फिर दूसरे को नीचे रखना पड़ता है, फिर दूसरे को उठाना पड़ता है। इसी तरह से कृष्ण भक्ति
और भौतिक इंद्रिय शक्ति एक साथ नहीं चल सकते। यदि कृष्ण के साथ योग है तो संसार के साथ संन्यास अवश्य होना पड़ेगा। अगर संन्यास मतलब संसार में भी अट्रैक्शन है तो फिर भक्ति में अट्रैक्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसका मतलब है, अब योगा का क्या मतलब है? संन्यास है ना, किससे संन्यास? भौतिक वस्तुओं से संन्यास और कृष्ण की ओर आकर्षण। एक संन्यास हुआ और भौतिक वस्तुओं से संन्यास लेंगे तभी तो हम कृष्ण की ओर आकर्षित होंगे। वास्तव में जीव इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, इसीलिए इसकी ये इच्छा इसको बांधते हैं इस भौतिक जगत से, तो ये बंधन है। लेकिन यदि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छूट जाती है, केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रह जाती है, भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा नहीं रहती, कृष्ण के साथ योग जुड़ जाता है, तो फिर ये संन्यास है। वास्तव में ये दो कश्तियां हैं, जो दोनों कश्तियां अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ये संसार एक महासागर है, तो एक कश्ती कृष्ण भक्ति की ओर जा रही है और दूसरी कश्ती जो है वो इंद्रिय तृप्ति की ओर जा रही है। अब अगर हम दोनों में पांव रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? पतन हो जाएगा। हम ना उधर के रहेंगे ना इधर के, तो हमें क्या करना है? अपने मन को, इसका मतलब अब भगवान ने ये कहा, अनाशत कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्य भी छोड़ दो। ये देखो, ये भगवान अभी तीसरी बार बता रहे हैं इस भगवद गीता में कि अपने कार्य को छोड़ना नहीं है, कार्य को करते रहना है, नियत कर्म को नहीं छोड़ना है। भले आप कर्म योगी हो, भले सन्यासी हो, लेकिन ये भी आपको अपना नियत कर्म करना है। कुछ लोग भगवद गीता को समझते हैं केवल कर्म कर्म करने का ही बताते हैं कि इसमें भगवद गीता में केवल कर्म के विषय में बताया गया। अभी देखो बार बार भगवान बताते हैं कार्य करना का, तो लोग समझते हैं कि भगवद गीता केवल कर्म करना सिखाती है कि कर्म आपको करना है, तो लोग कार्य करने में जुट जाते हैं, ये करना है वो करना है ना। कार्य करना ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, आपको कर्म करते रहना है बस। एक मा फलेषु कदाचित ना नहीं समझते, लेकिन अपने कार्यों को अपनी ड्यूटीज को नहीं छोड़ना है, इसलिए फिर वो इतना जुट जाते हैं कर्म को ही अपना भगवान समझ लेते हैं कि कार्य करते रहना है। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्म करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। वास्तव में भगवद गीता हमें इन सब प्रश्नों का उत्तर देती है कि हम कार्य क्यों कर रहे हैं। भगवद गीता केवल कर्म नहीं बता रही थी, वर्क करते रहो डे एंड नाइट गधे की तरह और कुछ भी मत करो, लेकिन भगवान यहाँ पर भगवद गीता में भगवान हमें कर्म योग सिखाते हैं, यानी कर्म योग वो कर्म जो आप सुप्रीम पर्सनालिटी के साथ संबंध को जोड़कर कार्य करो, और भगवान हमें सब काम कर्म से दूर बचाते हैं कि भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम, सत्काम कर्म नहीं करना, कर्म की कर्म करना है बस उसके फल की इच्छा नहीं करनी है। निष्काम कर्म बता रहे हैं कि आपको इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब जब आपको कोई आसक्ति नहीं है फल के अंदर, तो इसका मतलब होता है संन्यास है ना। अगर वस्तुओं में या फल में आसक्ति है, इसका मतलब होता है कि आप अभी इंद्र तृप्ति की इच्छा करो। लेकिन यदि आपको भौतिक वस्तुओं की कोई आसक्ति नहीं है, भौतिक वस्तुओं के प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हो, तो भगवान कहते हैं सर सन्यासी से योगी, योगी भी वही है और सन्यासी भी वही है जो कार्य कर रहा है लेकिन उसके फल में कोई आसक्ति नहीं रख रहा है। और न निर अग्निर, वो नहीं है जो अग्नि नहीं जला रहा है, न अक्रिया और जो कार्य नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पर दो बातें बता रहे हैं, एक संन्यास के लिए और एक कार्ययोगी के लिए। अब कुछ कर्मयोगी भी बोलेंगे कि बस हमें कार्य करना ही नहीं है ना, फल नहीं चाहिए तो कार्य ही नहीं करना है। और सन्यासी भी बोलेंगे कि कुछ यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि कुछ संन्यास आश्रम में ऐसे सन्यासी भी होते हैं जो सोचते हैं कि उन्हें सारे कर्मों से मुक्ति हो गई, उन्हें कुछ और कार्य करना नहीं है
और फिर वो अग्निहोत्री यज्ञ करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार धर्म से तादात में स्थापित करना होता है। भगवान बता रहे, यहाँ पर श्री रूपा जी बता रहे हैं कि अगर सन्यासी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका एक स्वार्थ होता है। भगवान ने क्या बताया यहाँ पर कि आपके कर्म के फल में आपको स्वार्थ नहीं है, तभी आप सच्चे सन्यासी हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो तदात्म्य चाहते हैं, वो भगवान के निराकार धाम से तदात्म्य स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ हो सकती है, किंतु स्वार्थ से रहित नहीं है। भगवान ने क्या कहा, अनाश्रित कर्म फल, आपको कर्म के फल के स्वार्थ से बिल्कुल मुक्त होना है। लेकिन अगर तदात्म्य की भी इच्छा है, तो इच्छा है ना, तो फिर आपका ये भले ही भौतिक इच्छा के श्रेष्ठ हो सकती है, लेकिन वास्तव में इच्छा रहित तो नहीं हुए, स्वार्थ तो उसके अंदर है ही। उसी प्रकार वो योगी जो अष्टांग योग करते हैं, है ना, वो क्या करते, सारे कार्य बंद कर देते हैं। लेकिन भगवान ने कार्य बंद करने के लिए तो बोला नहीं है, भगवान ने क्या कहा है, कार्यम कर्म करोति यः, आपको अपना कार्य करना, कार्य नहीं छोड़ना है। लेकिन वो क्या करते हैं, जो भी योगी होते हैं, वो समस्त कर्म प्रकार के कर्म को बंद करके अर्धनिमिलित, यानी कि आधी आंखें खोलते हैं, ऐसे बंद करते हैं आधी, और नेत्रों से योग अभ्यास करते हैं। वह भी कार्य, वो भी ये कार्य कर रहे हैं ना, वो किसके लिए कर रहे हैं, आत्म तुष्टि की इच्छा से, कि उनको आत्म संतुष्ट, वो चाहते हैं कि इस कार्य से हम अपने आप को संतुष्ट करें। वास्तव में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण परब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है, उसने अपनी संतुष्टि के लिए नहीं होता है। वो क्या एक फॉर्मूला उसने अपना क्या बनाया है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं, बस मुझे मेरी औकात यही है कि मैं भोग्य बनूं, मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, मुझे प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बस मेरे जीवन का लक्ष्य, चाहे मैं भौतिक संसार में हूँ या आध्यात्मिक संसार में, कृष्ण महानुभावित व्यक्ति को कभी भी आत्म दृष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। अतः वो पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह बताया, क्या होता है कि न धनम न जनम न सुंदरी, मुझे ना धन चाहिए, देखो ये सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे आत्मतुष्टि होती है ना, ना मुझे धन चाहिए, ना अच्छा जन्म चाहिए। अब यहाँ पर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अच्छा जन्म नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, कविताम वा जगदीश काम है, मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए जो मेरी प्रशंसा करे, और यहाँ तक कह दिया कि मम जन्मनी जन्मनेश्वरे, भले मुझे आप मुक्ति भी ना दो, मुझे भले बारंबार जन्म मरण के चक्कर में आप धकेल दो, लेकिन फिर भी भगवतात् भक्ति अहितुकी त्वया, मुझे आपकी अहितुकी भक्ति चाहिए। यानी मैं किसी भी, भले अच्छा जन्म नहीं है, मैं भले किसी पशु योनि में भी क्यों न चला जाऊं, मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, मेरा ऊपर के लोक में हूँ, नीचे के लोक में हूँ, जन्म जन्मांतर तक मुझे भले ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सहन करना पड़े, भले आप भी मुझ पर कृपा न करो, आशिष्य वा पादरतम पिनिष्टम अदर्शनम, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे आलिंगन करो, अगर आपकी इच्छा हो तो अपने पैरों से कुचल कर मेरा हृदय तोड़ दो, लेकिन फिर भी मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतात्थक्ति रहितुकी त्वया, मुझे जन्म जन्मांतर तक आपकी अहितुकी भक्ति की अभिलाषा है। तो वास्तव में भक्तों, जो भगवान यहाँ आशीष श्लोक बता रहे हैं, वो केवल कृष्ण महानुभावित व्यक्ति ही उसकी कसौटी पर पूरा उतर रहा है। क्यों? क्योंकि अनाश्रित कर्म फल, वो कोई भी कार्य कर रहा है उसके फल की कोई इच्छा नहीं कर रहा, लेकिन कार्यम कर्म करोति यः, कार्य तो वो अपना कर रहा है, नियत कर्म को भी नहीं छोड़ रहा है। तो भगवान ने कहा, सन्यासी से योगी च, वास्तव में सच्चा सन्यासी भी वही है
और योगी भी वही है। ना निर अग्निर न चाक्रिया, वो नहीं है जो अग्नि नहीं जलाता है या क्रियाओं को छोड़कर अष्टांग योग के लिए बैठ जाता है और आत्मतुष्टि की कामना हृदय में रखता है। तो भगवान अब अष्टांग योग की पद्धति को इस अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाएंगे और श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ इसको समझाएंगे। हम गुरु और गौरंग से प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे ऊपर की कृपा करें कि हम इस अध्याय को भी समझ सकें। कृपया आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।